अब्दुल्ला आजम खान को नहीं मिली राहत, एससी का एचसी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द किया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया गया था। सांसद मोहम्मद आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध जो चुनाव याचिका चल रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इनके जन्म संबंधी दस्तावेजों के आधार पर उनकी सदस्यता को शून्य किया था, आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं और इसमें किसी तरीके का कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होकर जो सत्य है अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा सदस्यता है वो बहुत जल्द समाप्त होगी।